हमारे पास क्लास 10th का क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से। क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए और ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी से सम दूरस्थ है तो सिद्ध करें कि ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी बराबर एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। और शायद आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहता है कि यदि बिंदु पी, ये बिंदु पी जो है ये बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों क्या है समान दूरी पे है, समदूरस्थ है यानी समान दूरी पे है। तो यदि ये दोनों समान दूरी पे है तो हमें ये सिद्ध करने के लिए कहता है कि a माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। चलिए देख लेते हैं। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है कि तो पहले क्या करते हैं मान लेते हैं, लेट माना कि ए बराबर ए प्लस बी बी माइनस ए, ठीक है, और बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको एक्स वन मान लेंगे, इसको वाई वन मान लेंगे, इसको एक्स टू मान लेंगे और इसको वाई टू मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। ये बिंदु, ये क्या है कि पी है, बिंदु पी है। इसमें क्या कहता है कि बिंदु पी इस दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। तो ये भी क्या है समान है, इसकी दूरी भी समान और इसकी दूरी भी समान है। तो ये क्या है पी है, पी एक्स वाई, और ये क्या है ए, ये बिंदु क्या है बी है। तो बिंदु ए क्या है ए प्लस बी और बी माइनस ए, ठीक है, और इधर बिंदु बी है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बिंदु जो है पी ये दोनों के समान दूरी पे है, समदूरस्थ है। तो हम क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यानी पी का पहले निर्देशांक हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं पी का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी पी एक्स वाई जो है बराबर हो जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टा टू वाई वन प्लस वाई टू बट्टा टू, ठीक है। तो हम x1 किसको लिए हैं आप लोग देख लीजिए कि x1 जो है वो x1 है a प्लस बी और x2 क्या है प्लस a माइनस बी बट्टा टू, ओके। और y1 क्या है b माइनस a और ये प्लस, और y2 क्या है a प्लस बी बट्टा टू, ठीक है। इसमें से देखिए कि बी और बी कटने वाली है, तो चलिए हम काट देते हैं बी बी को, इधर ए और ए कैंसिल होगा तो उसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हमको क्या बच रही है ए ए बच रही है, ए प्लस ए बच रही है, और यहाँ इधर क्या बच रही है बी प्लस बी बच रही है, तो टू ए बट्टा टू हो गई और इधर टू बी बट्टा टू हो गई, ठीक है। यहाँ से ए टू टू कैंसिल, इधर से भी टू टू कैंसिल हो गई। तो हमारे पास एक्स वाई, एक्स वाई बराबर क्या बच गई है ए बी, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल, ए बराबर क्या हो गई एक्स हो गई और बी बराबर क्या हो गई वाई हो गई, ठीक है। तो
ये हमारे लिए बिंदु मिल गई है। हम क्या करते हैं कि हमें प्रूफ करने के लिए कहता है कि a माइनस बी बट्टा ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। तो ये हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखिए निकाल लेते हैं LHS। तो ये सिद्ध करने के लिए LHS है, तो LHS से a माइनस बी बट्टा ए प्लस बी। अभी जो हमारे पास बिंदु निकली है तो वो क्या है, एक्स ए, यहाँ पे जो बिंदु निकली हुई है जो क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू वाई निकली है। तो चलिए ले लेते हैं, तो इधर क्या कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स, माइनस है तो माइनस, और बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई। देखिए हमें एल एच एस बराबर आर एच एस मिल गई है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूफ्ड। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।